वेलकम बैक। होप यू ऑल हैड एंजॉयड योर दशहरा। नाउ इन द प्रीवियस क्लास आई हैड स्टार्टेड ऑफ विद द चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोगों ने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था एंड इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्टर वी स्टडीड दैट देर आर थ्री क्राइटेरिया विच टूगेदर फॉर्म्स द मैनेजमेंट ऑफ द फंड। And those two, three criterias were investment decision, financing decision, and dividend decision. फिर हम लोगों ने जो है finance investment decision को लिया। तो investment का मतलब हो जाता है you would be investing it on long term, which is said as capital budgeting, and then of course for the working capital requirement, which would be said as short term. तो ये हम लोगों ने लास्ट लास्ट क्लास में हमने किया है दैट देर आर वेरियस फैक्टर्स विच इन्वॉल्व्स व्हाइल यू आर डिसाइडिंग ऑन द फैक्ट कि आपको इन्वेस्ट करना है। तो नाउ द बेसिक क्राइटेरिया इज सिंपल। इफ यू आर हैविंग टू प्रोजेक्ट्स विच इज यील्डिंग डिफरेंट रिजल्ट्स देन वी गो विद द वन विच इज ऑन द हायर साइड। बट एट द सेम टाइम सिर्फ ये एक छोटी सी चीज नहीं होती है, इसके साथ वी ऑल्सो गो फॉर डिफरेंट अदर फैक्टर्स लाइक वॉट इज द कैश फ्लो, वॉट वुड बी द इंटरेस्ट रेट, देन वॉट वुड बी द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन सबको हम जो है लेते हैं एंड दीज टेक्निक्स आर अप्लाई टू ईच प्रपोजल बिफोर वी सेलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। बच्चा देखिए, हर कंपनी का, हर प्रोजेक्ट का जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीशन होता है वो अलग होता है। अभी जस्ट आई वॉज रीडिंग द न्यूज कि आई थिंक मामा अर्थ, द वेरी फेमस कॉस्मेटिक कंपनी मामा अर्थ, दे वर सपोज टू रेस अ कैपिटल ऑफ 400 crores, बट नाउ दे हैव कैप्ड इट, मतलब उन्होंने उसको कम कर दिया है। तो ये जो कम करना, ज्यादा करना, वाई वेन, तो हम लोग जो WH questions हैं उनको हम लोग पहले frame करते हैं। Lots of calculations is done because all these calculations are on a long term. आपका capital budgeting का मतलब भी हो जाता है जहां आप you are going to invest it for a long period. Natural है कि आप कोई भी asset खरीदोगे तो वो एक दिन में तो आप use नहीं कर सकते हो. Neither it is for a short period. So therefore we need to calculate it very very meticulously. बहुत ध्यान से, बहुत अलर्ट होकर हम लोगों को करना होता है। सो दैट वॉज द वेरी फर्स्ट। द सेकेंड इज फाइनेंसिंग डिसीशन। अब ये जो फाइनेंसिंग डिसीशन है, दिस इज क्वाइट व्हाट वी कॉल एज कॉम्प्लिकेटेड इश्यू। फाइनेंसिंग का मतलब हो जाता है फ्रॉम वेयर द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू टेक अप द मनी, वेदर इट इज गोइंग टू हैव एवरीथिंग, जो भी उनको फाइनेंस करना है इन्वेस्ट करने के लिए, वो क्या अपना ही पैसा लगाएंगे या फिर दे आर गोइंग टू बोरो इट फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ अदर सोर्सेस, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया इन्वॉल्व। तो वो हमारा आता है फाइनेंसिंग। सो दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस दैट वी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेस। शॉर्ट टर्म हम लोग जो है वर्किंग कैपिटल में कर चुके हैं। अब जो कैपिटल बजटिंग के लिए जो हमें पैसा लगाना है वो हम कहाँ से ला सकते हैं, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट इट। अभी जो मैं आपको मामा अर्थ का एग्जाम्पल दे रही थी, दैट मे बी फॉर द एक्सपेंशन, दैट मे बी फॉर द ग्रोथ, दैट मे बी फॉर डिफरेंट वे, मतलब कि नया कोई ब्रांच खोल रहे होंगे, नया कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे होंगे। इट involves identification of various available source, अभी जो हमारे पास sources हैं वो, then जो हमारे main source हैं वो क्या है, it would be the shareholders fund and borrowed fund, जिसको हम लोग equity plus debt बोलते हैं। अब इन दोनों में अपने अपने ही, मतलब कि they have their own merits and demerits, और आपके क्वेश्चन पेपर में जो है यू मे बी गेटिंग द एक, यू विल बी गेटिंग अ लॉन्ग क्वेश्चन। एंड ऑल्सो लाइक अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं, इक्विटी शेयर का फायदा क्या है, हमारा खुद का कैपिटल है। खुद का मतलब इट्स नॉट माय ओन, मतलब जो शेयर होल्डर्स होंगे दे आर गोइंग टू बी द ओनर्स ऑफ द कंपनी।
यानी कि वो जो पैसा लगाएंगे दैट वुड बी देयर टिल द कंपनी इज वुंडा, मतलब कंपनी जब तक बंद नहीं होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो का जो कैपिटल है वो कहीं नहीं जाता है, दैट इज इन्वॉल्व इन ऑल द प्रोजेक्ट्स, दे डोंट नीड टू रिटर्न इट बैक, दैट इज वन एक फायदा है। बट अगर हम लोग नुकसान देखते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं दे बिकम द शेयर होल्डर्स ओनर्स, तो कंट्रोल हमारा डाइल्यूट होता है, एंड देन इक्विटी को रेस करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू विगोरस प्रोसीजर्स, ये सब कुछ आपका वन मार्कर है। यू मे हैव टू गो फॉर द फ्लोटेशन कॉस्ट, मे बी द कंपनी इज नॉट हैविंग दिस मच ऑफ फंड। सेकेंडली अगर हम डेट लेते हैं, डेट इज द चीपेस्ट सोर्स, बड़ा ही कॉमन एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, डेट इज द चीपेस्ट सोर्स, बट डेट आप तभी ले सकते हो जब आप डेट को वापस करने की यू आर कीपिंग द केपेबिलिटी। सेकेंडली द इंटरेस्ट विच इज टू बी पेड ऑन द डेट हैज टू बी रेगुलर, इसका मतलब आपका जो कैश फ्लो है वो आपका जो है दैट शुड ऑल्सो बी दैट शुड रिलेट, इतना बैलेंस होना चाहिए। एंड उसके लिए देन वी ऑल्सो सी कि अगर हम कैपिटल को उठाने के लिए वी आर टेकिंग द डेट, तो जो हमारा अर्निंग पर शेयर है विच इज शेयर होल्डर्स का जो ऑलरेडी मन मतलब कि मनी है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? इफ वी आर टेकिंग द डेट इज इट गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू और डिक्रीज? सो वी नीड टू गो फॉर लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस बिफोर वी मतलब कि डिसाइड कहाँ से लेना है और कितना लेना है। इट्स नॉट ओनली कहाँ से, इट इज अ मेन थिंग इज कितना लेना है, यानी कि जो आपका रेशियो है दैट इज डेट इज टू इक्विटी, ये हमारा जो है फाइनेंसिंग डिसीजन है। द शेयर होल्डर फंड्स रेफर टू द इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड बोरोवर्स फंड रेफर्स टू द फाइनेंस रेज थ्रू डिबेंचर्स और अदर फॉर्म्स ऑफ डेट। अ फर्म हैज टू डिसाइड द प्रोपोर्शन ऑफ फंड, ये जो मैंने आपको भी ये बताया है दिस इज द प्रोपोर्शन, कितना बेस्ड ऑन द बेसिक कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट, बिकॉज दैट हैज टू बी पेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ फर्म हैज अर्न्ड अ प्रॉफिट और नॉट, आपको देना ही है। देन द बोरोड फंड हैज टू बी रिपेड एट अ फिक्स्ड टाइम, आपको वापस भी करना पड़ेगा। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड पेमेंट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिस्क विच हैज टू बी कंसिडर्ड बाय अ फर्म लाइकली टू हैव इनसफिशियंट शेयर होल्डर्स टू मेक दीज फिक्स पेमेंट्स। भाई आपको चाहे कुछ भी हो, यू नीड टू पे बैक द इंटरेस्ट ऑल्सो एंड ऑफकोर्स द प्रिंसिपल ऑल्सो। शेयर होल्डर्स फंड ऑन द अदर हैंड हैज नो कमिटमेंट, इट नीड्स टू जुडिशियस मिक्स ऑफ डेट इंटू इक्विटी विच मे बी डेट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर रिटेन अर्निंग, मतलब ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। लेकिन जब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन ईदर कम्स एज अ फैक्टर और इट कम्स एज अ न्यूमेरिकल पार्ट। द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ फाइनेंस हैज टू बी एस्टिमेटेड, फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने आपको बताया था ये ट्रू एंड फॉल्स में आया है, अजर्शन एंड रीजन में आया है, फिल इन द ब्लैंक्स में आया है, एमसीक्यूज में आया है। डेट इज कंसिडर्ड टू बी द चीपेस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेस, क्यों? पहला आपको फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लेना पड़ता, सेकेंडली आपका जो डेट होता है दैट हैज अ टैक्स टैक्स डिडक्टेबिलिटी, मतलब जो कंपनी टैक्स अगर डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को तो दैट इज टैक्सेबल, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो दैट इज नॉन टैक्सेबल। एसोसिएटेड रिस्क इज ऑल्सो डिफरेंट, इट इज नेसेसरी टू पे द इंटरेस्ट ऑन डेट, रिडीम द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मेच्योरिटी, देयर इज नो सच कंपल्शन। There is some amount of financial risk in debt finance. The overall
फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन, मतलब कितने प्रोपोर्शन में आपने लिया है, ऐसा ना हो कि आपका डेट कैपिटल ज्यादा और आपका इक्विटी कैपिटल कम हो। वो तभी पॉसिबल होता है व्हेन यू आर हैविंग अ साउंड कैश फ्लो बैलेंस, व्हिच इज नॉर्मली नॉट पॉसिबल। द फंड रेजिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कॉस्ट समथिंग विच इज कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट। नाउ वॉट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? जब आप किसी भी इक्विटी शेयर को रेज करते हो तो रेज करने से पहले यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसीजर्स। अब वो प्रोसीजर्स क्या होते हैं? सबसे पहले यू हैव टू इश्यू अ प्रॉस्पेक्टस, और ये जो प्रॉस्पेक्टस होता है दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड द चार्टर्ड, मतलब आपके जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो बनाते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट, मतलब की बैलेंस शीट, आपका जो बैलेंस शीट है उसके बेस पर दे मेक द प्रॉस्पेक्टस विच हैज टू गो थ्रू मेनी डिफरेंट क्राइटेरिया। देन यू नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम सेबी, देन यू हैव टू अपॉइंट बैंकर्स, यू हैव टू अपॉइंट अंडर राइटर्स। आपको जो है अंडर राइटर्स अब कौन होते हैं? अगर आपका शेयर मार्केट में नहीं बिकता किसी वजह से, दीज अंडर राइटर्स दे वुड बी बाइंग योर शेयर एट अ लेसर वैल्यू एंड लेटर ऑन सेल इट ऑफ। तो इफ यू आर रेजिंग द कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, देन आपको प्रॉस्पेक्टर्स, परमिशन, बैंकर्स, अंडर राइटर्स और आपको ऐसे कई प्रोसीजर को देखना पड़ता है, और इन सब के लिए जो पैसा लगता है उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। यानी कि डेट को, सॉरी इक्विटी को रेज करने के लिए जो हमें फंड की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। सर्टेन टाइम्स अ कंपनी में टेक अ शॉर्ट टर्म लोन फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोट द शेयर्स, गेट द प्रोजेक्ट एंड देन रिटर्न बैक। फाइनेंशियल मार्केट वाले में बताऊंगी आपको मैं। इट मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल इवेल्युएटिंग डिफरेंट सोर्सेस। फाइनेंसिंग डिसीजन इज दस कंसर्न विद द डिसीजन हाउ मच टू बी रेज फ्रॉम विच सोर्स। दिस डिटरमाइंस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज। जो आप कैपिटल रेज कर रहे हो वो कितने का पड़ेगा वो, एंड कितना क्या क्या रिस्क हो सकता है वो। तो नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दी डिसीजंस, मतलब इस डिसीजन को, मतलब आप इंटरेस्ट लेना, आप लोन लेना चाहते हो, यानी कि यू वांट टू गो फॉर द डेट कैपिटल और यू वांट टू गो फॉर द इक्विटी कैपिटल, और व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन, डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। इसके लिए वी गो थ्रू सर्टेन प्रोसीजर, सर्टेन फैक्टर्स। एक एक फैक्टर को इवैल्यूएट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एंड अल्टीमेटली जो उनको लगता है चीपेस्ट है उस सिचुएशन में देन दे गो फॉर। एंड अगेन क्लास 12 आई एम टेलिंग यू, जो हमने पहले पढ़ा था दैट वॉज वेयर द मनी हैज टू बी इन्वेस्टेड। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम कैपिटल बजटिंग लाते हैं, यानी कि जो हम पैसा हमें चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फर्स्ट द कॉस्ट, यानी कि आपको जो है ये देखना पड़ेगा दैट व्हाट इज द कॉस्ट, यानी इफ इट इज मतलब कि डेट व्हाट शुड बी द कॉस्ट, इंटरेस्ट मतलब ओवरऑल आप इंटरेस्ट को देखोगे, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द इक्विटी देन उसके लिए फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह को कैलकुलेट करोगे। रिस्क, इफ वी लुक इन टू द इक्विटी शेयर रिस्क कम है, वेयर इज डेट कैपिटल में रिस्क ज्यादा है। द रीजन इज इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू रीपे द अमाउंट देन इट मे लीड इन टू प्रॉब्लम्स, इवन लीगल प्रॉब्लम्स। देन हायर द कॉस्ट लेटर अट्रैक्टिव द सोर्स फ्लोटेशन, यानी कि दिस इज फॉर द इक्विटी। अगर आप इक्विटी लेते हो और इक्विटी को रेज करने के लिए जो आप पैसा आपको चाहिए, द मनी विच यू रिक्वायर, इफ यू आर नॉट हैविंग दैट मनी, इफ यू आर नॉट गेटिंग द मनी ऑन लेसर रेट, देन इट मे नॉट बी दैट मच फ्रूटफुल।
कैश फ्लो, ये तब आपका है जब आप कहते हो अ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो में मेक डेट फाइनेंसिंग मोर वायबल देन इक्विटी। मतलब अगर आपकी कंपनी में कैश फ्लो अच्छा चल रहा है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन डेफिनेटली पे द इंटरेस्ट, यू कैन डेफिनेटली पे द इंटरेस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब आपके पास जरूर, आपने अगर आपका बिल्डिंग रेंट पर है, इंश्योरेंस देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, सैलरी देना है, इन सब के लिए यू हैव टू सी। तो लोअर डेट फाइनेंसिंग इज बेटर। अगर आपका ये वो जो फिक्स्ड कैपिटल है ये ज्यादा है, इफ इट इज मोर देन यू शुड गो फॉर इक्विटी नॉट डेट, क्योंकि आपके पास कैश फ्लो कम रहेगा। अगर आपके पास 1,000 रुपए आए और उसमें से आपको 700 रुपए यू हैव टू पे फॉर द फिक्स कैपिटल, द फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट, देन हाउ यू विल रीपे विथ 300 रुपीज, क्योंकि आपके पास और भी होंगे। सिमिलर, तो दैट मीन्स इफ लोअर, मतलब कि इफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज मोर, देन लोअर डेट फाइनेंसिंग इज बेटर, एंड फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस देन डेट फाइनेंसिंग में भी। कंट्रोल कंसिडरेशन सबसे ऊपर आपको मैंने बताया था, वाइल वी आर गोइंग फॉर द इक्विटी, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि द मोर शेयर होल्डर्स द मोर डाइल्यूशन ऑफ योर कंट्रोल। आपने सुना होगा एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर उस पर्टिकुलर इंसान का 41% है, लेकिन अगर वो उसके उसको मतलब कि डाइल्यूट करते हुए द कंट्रोल इज गोइंग टू अदर पीपल, नेचुरल है कि उनका अपना जो एक लिमिट होता है दैट वुड रिड्यूस। तो मे बी डेट फाइनेंसिंग हैज नो सच इम्प्लीकेशन। कंपनीज अफ्रेड ऑफ अ टेक ओवर बिड वुड प्रेफर डेट टू इक्विटी। नाउ व्हाट इज टेक ओवर बिड, व्हाट इज टेक ओवर बिड, टेक ओवर बिड का मतलब हो जाता है कंपनी को टेक ओवर कर लेना। अगर आपको पता है अकॉर्डिंग टू द रूल, मतलब एक जनरल रूल है, दिस इज अ बेसिक रूल, जिसके पास भी 51% से ज्यादा होता है दैट पर्सन बिकम्स द ओनर। एंड अगर धीरे 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 जो ओल्डर ओनर है वो अपने शेयर्स को बेचता जा रहा है एंड एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास ज्यादा आ गया है, से एक ग्रुप के पास 75% है एंड दूसरा 25% जो ओरिजिनल ओनर्स है उनके पास 25 है, तो ये वाला जो 75 वाले हैं ये मिलकर कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट आजकल, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 25th अक्टूबर 2023, शेयर मार्केट हमारा स्लंप है, डाउन है, बियरिश है, और हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं फॉर स्टॉक मार्केट इज बुल एंड बियर। तो जब लोग खरीद रहे हों, मतलब व्हेन द पीपल आर इन्वेस्टिंग, उस वक्त में अगर आप शेयर्स को मार्केट में लेकर आते हो तो पॉसिबिलिटी है आपकी कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिल जाए, बट इफ इट इज नॉट देयर, कोविड का पीरियड था, पीपल डिड नॉट बाय द शेयर्स, तो उस वक्त में इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द कंपनीज टू सेल द शेयर्स। एंड अगर उन लोगों ने अंडर राइटर्स अपॉइंट नहीं कर रखा है या कोई प्लेसमेंट एजेंसी उनकी कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीदना चाहती है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू रेज द कैपिटल। तो ऐसे पीरियड में इट इज बेटर टू टेक डेट। अगर उनको लगता है कि उनके शेयर्स नहीं बिकेंगे मार्केट में, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, क्योंकि हम स्टडी करते हैं, इट्स नॉट अ वन डे कि चलो आज हम लोग बिट करते हैं, ओके ऐसा नहीं होता, दिस टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 years। तो यू नीड टू स्टडी द मार्केट, एक जनरल मार्केट फर्स्ट, सेकेंडली वर्ल्ड मार्केट, जैसे अभी इसराइल का वॉर चल रहा है तो काफी फर्क हो रहा है। थर्ड, आपका हमारे जो कैपिटल, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका मतलब कि रिएक्शन, इन सब के ऊपर आपका स्टॉक मार्केट डिपेंड करता है। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस हैव टू बी केप्ट। हेल्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट में आल्सो इफेक्ट द चॉइस ऑफ द सोर्स ऑफ फंड। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग,
people invest in equity, but in the depressed, it may make issue of equity shares difficult for any company. This I have already told, and the companies can be any company. It's not like ki choti company, badi company. When Devyani International issued their shares, I think now it's more than 2 years. Nobody knew what is Devyani International about. Nobody. Because sabke liye the name was very uncommon, Devyani. Even I myself can say this thing. In fact, I came to know later on once I was going to Pune and I was taking some food items at this food court. वहां मैंने देखा कि जो ये फूड कोर्ट्स हैं इन सबको जो वांगो इन सबको जो ओन करते हैं वो देवयानी इंटरनेशनल. इट्स नॉट अ बिग ब्रांड ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. लेकिन जब उन्होंने इश्यू किया था इट वॉज वेरी चीप. इट वॉज अराउंड 85 रुपीज पर शेयर एंड राइट नाउ देयर शेयर्स हैव स्काई रॉकेटेड. तो जो इन्वेस्टर होता है ना वो काफी सोच समझ के लेता है. तो इट माइट बी डिपेंडिंग कि हमने किस वक्त में शेयर्स को उतार रहे हैं मार्केट में रेज कर रहे हैं. इफ द मार्केट फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है पीपल डेफिनेटली इन्वेस्ट. ये दिवाली वाला जो पीरियड होता है ना इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं. वेर इज वेन देर इज मतलब कि थोड़ा सा वो बियरिश का पीरियड होता है डिसम्बर के ऑनवर्ड्स. समटाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ द दिस टैक्स वाला जो पीरियड होता है वो, या फिर कोरोना वाला जो पीरियड था उसमें लोगों ने इन्वेस्ट थोड़ी किया था. और उस वक्त में कोई कंपनी अगर अपनी शेयर को उतार रही होती तो उसको शेयर होल्डर्स मिलते? नो. अगर आपको याद होगा इन योर 11th स्टैंडर्ड 90% अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है इफ यू गेट 90% सब्सक्रिप्शन मतलब 90% लोगों ने एप्लीकेशन दिया होता तभी आप शेयर को इश्यू कर सकते हो. दिस इज द रूल ऑफ सेबी. दैट मीन्स you have to look for all these factors before you are raising the money from stock matlab ki whether it is equity or debt वैसे cheaper hai. और again I'm telling you one marker question, very repeated, very common question, which is the cheapest source. So normally we say debt kyunki usme hum logon ko na to bahut zyada kuch nahi karna padta. ha Sometimes we have to mortgage certain areas, but then you get the next third important decision that every manager has to take is distribution of dividend. पहला जो हमने पढ़ा था बेटा वो था कि हम अपने पैसों को किस प्रोजेक्ट में किस एरिया में वी कैन व्हाट यू कॉल एस invest. Second was from where we can get that money, or on a very broader ground we have either equity or borrowed fund. Borrowed ke andar aapke borrowed matlab aapka it may be the loan, it may be the debentures, it may be other sources, and shares ka matlab ho gaya aapka equity and preference. So in dono ke liye humne padha and the factors which normally broadly affect these decisions. The third is aapka dividend. Now what is dividend decision? Aur ye question kaise paper mein aata hai? most of the time till now agar hum dividend decision kehte to there is no direct question. The question comes like this. This is what you call as question. Means this decision involves how much of the profit earned by the company after paying tax has to be distributed to the shareholder. So aapke paper mein ya to ye question aayega ya fir aapke paper ke andar aayega that Ram is matlab एक नेम दे दिया जाएगा दैट ही इज द मैनेजर ऑफ द कंपनी
the company has मतलब कि acquired a very good मतलब कि profit of 25% मतलब कि this current now मतलब कि राम wanted to take up the meeting on how much the profit earned should be paid to the shareholder, identify the decision taken by राम. तो जो आपका profit distribute होना है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन. क्योंकि इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू हम कंप्लीट पैसों को कभी भी डिवाइड नहीं करते. मान लो कि इफ आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000 रुपीज दिस क्वार्टर, तो मैं ये पूरा वन मतलब आफ्टर पेइंग द टैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर पेइंग द टैक्स आई गॉट दिस मंथ, मतलब मुझे ये पैसा मिला है. एंड मे बी आई एम हैविंग 100 शेयर होल्डर्स, तो ये नहीं है कि मैं सीधा सीधा चलो सबको मतलब कि मैं 10 रुपीज दे देती हूँ, ऐसा नहीं होता. आई वुड बी कीपिंग सम अमाउंट एज रिटेन्ड अर्निंग एंड दैट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी. देन देयर माइट बी अ मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, उसमें हम डिवाइड करते हैं. कई कंपनीज क्या करती हैं, स्टेबल डिविडेंड पोजिशन रखती है, मतलब दे वुड नॉट बी इंक्रीजिंग. वो बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ना सेफ खिलाड़ी, प्रॉफिट चाहे 10% हो या 12% हो, वो 2 या 3% रखते हैं. वो इसीलिए कि अगर प्रॉफिट कम हो गया तो उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा. सम कंपनीज डिसाइड ऑन द फैक्टर कि भाई जितना प्रॉफिट आएगा उसका इतना परसेंट हम देते रहेंगे, मतलब दैट इज वेरिएबल. इस साल 10% दिया, अगले साल 12% देंगे, ऐसे. तो दैट इज कंपनी टू कंपनीज पॉलिसी. सम कंपनीज फॉर्म मतलब कि स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को करते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल करती है. एंड दिस इज ऑल डिसाइडेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग व्हेन द आपका जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनता है उसके बाद डिसाइड किया जाता है. सो द एक्सटेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म, जो हम पहले देख चुके हैं. क्योंकि अगर आपने रिटेन्ड अर्निंग रखी हुई है तो देन द फर्म डज नॉट रिक्वायर फंड्स टू मतलब कि एक्सटेंट ऑफ री इन्वेस्टेड रिटेन्ड अर्निंग. एंड ओवरऑल डिविडेंड जो है वो आपके शेयर होल्डर की एक वैल्यू है. एक कंपनी को तभी अच्छा मानते हैं फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है. मतलब अगर मान लो एक कंपनी एक शेयर पर 1 रुपी दे रही है और दूसरी 2 रुपए दे रही है, तो दिस कंपनी वुड बी कंसिडर्ड गुड, चाहे ये कंपनी ब्रांडेड क्यों ना हो. तो दिस हैज टू बी मतलब मार्केट में जब आप रहते हो तो इन सब चीजों को देखना पड़ता है. हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मच विल बी रिटेन, डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. फर्स्ट जब ये वाला क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, आइडेंटिफाई द डिसीजन टेकन बाय, उसके साथ ये वाले पॉइंट्स आपके आते हैं. ऑल्सो एक्सप्लेन डिस्क्राइब स्टेट एनी 5 फैक्टर्स. तो 6 फैक्टर्स को आप याद करके रखोगे. आई रिपीट, प्लीज लर्न 6 फैक्टर्स, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो मतलब कि मार्किंग है वो 6 मार्कर है. इज इट क्लियर? योर मैक्सिमम मार्किंग इज ऑफ मतलब आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वह तो वो 3 मार्कर, 4 मार्कर या 6 मार्कर आएगा. तो मैक्स टू मैक्स 6 मार्कर है, तो 6 आप यूज करके चल सकते. दे डोंट थिंक कि गिव 10, तो प्लीज लर्न 6 अच्छे से कर लेना. वेरी फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, यानी कि आपकी कंपनी कितना अर्न कर रही है. क्यों? क्योंकि आपने जो डिविडेंड देना है दैट हैज टू बी गिवन आउट ऑफ द करंट एंड पास्ट अर्निंग. डिक्लेयर जब आप करते हो तो आपका एक फाइनेंशियल क्वार्टर खत्म होता है, आपका एक फाइनेंशियल पीरियड खत्म होता है. तो आपने कितना अर्न किया, पहला सबसे मेजर. सेकेंड इज स्टेबिलिटी. नाउ दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग बेटा, नॉट स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब है कि आपकी कंपनी का जो पास्ट मतलब कि फ्यू ईयर्स है
उसमें अर्निंग कैसी रही है? हैज इट बीन एबल टू मेंटेन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड? ड्यूरिंग द कोविड पीरियड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज देयर की द कंपनीज गो फॉर अ क्वार्टरली रिव्यू. वो लोग क्या करते हैं, हर 4 महीने जो है दे मतलब की रिव्यू करते. नाउ व्हाट हैपेंड इज ए कंपनी में फर्स्ट क्वार्टर में मतलब अप्रैल मई जून जुलाई दे हैड 10%. सेकेंड में दैट इज अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जो उनका सेकेंड क्वार्टर था उसके अंदर देयर वो जो है वो 15% हुआ. बट थर्ड क्वार्टर में इट मतलब कि वो बिल्कुल 8% पे आ गया. अब आप देख सकते हो 10, 15 और 8 में कितना फर्क है. यहाँ पर एक्सट्रीम बढ़ गया, यहाँ पर एक्सट्रीम कम हो गया, राइट? यहाँ एक्सट्रीम बढ़ गया और एक्सट्रीम कम हो गया. सो द कंपनी हैज टू डिसाइड, अगर उनकी स्टेबिलिटी नहीं है तो वो देखो फॉर द लोअर डिविडेंड, वो कम पे जाते हैं. अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अ कंपनी हैज स्टेबल अर्निंग इज इन अ बेटर पोजिशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड. एज अगेंस्ट अ कंपनी हैविंग अनस्टेबल अर्निंग विल गिव स्मॉलर डिविडेंड, क्योंकि उनको अगले क्वार्टर का पता ही नहीं है. नाउ इवन दो इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, आई एम गिफ्टेड टेलिंग यू ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस, जो आपकी कंपनीज हैं जिनके आपके कॉम्पिटिशन ज्यादा है, जहां कंज्यूमर गुड्स आ जाते हैं, वहां पर अगर आप देखोगे तो स्टेबिलिटी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही है. वेयर इज आपके जहाँ पे कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंसेस इनमें आते हैं, यहाँ पर आपका स्टेबल रहता है अर्निंग. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री. देन अब आता है थर्ड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, कई कंपनीज क्या करती हैं, एज आई सेड दे आर ऑन अ, वो लोग जो है सेफ प्लेयर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज सेफ प्लेयर्स. वो रिव्यू करते हैं अपने पास्ट फ्यू क्वार्टर्स को एंड फिर वो क्या करते हैं, दे कीप अ लोअर डिविडेंड शेयर, स्टेबल डिविडेंड. मतलब चाहे कंपनी का प्रॉफिट 15% जा रहा है, चाहे वो 10% जा रहा है, वो लोग सिर्फ 2% रखते हैं, 3% रखते हैं. वेदर द कंपनीज इनकम इज लो और हाई, दे गो फॉर अ स्टेबल डिविडेंड. बट दैट इज अ पॉलिसी विच हैज टू बी टेकन बाय द कंपनी शेयर होल्डर्स. कंपनी जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबिलाईजिंग डिविडेंड पर शेयर. द इंक्रीज इन डिविडेंड इज जनरली मेड वेन देर इज कॉन्फिडेंस दैट द अर्निंग पोटेंशियल हैज गॉन हाई. मतलब वो तभी उसको बढ़ाते हैं जब उनको पूरी तरीके से दे आर मतलब कि 100% श्योर कि आने वाले टाइम में दे विल बी हैविंग गुड इनकम. इन अदर वर्ड्स, डिविडेंड पर शेयर इज नॉट ऑल्टर्ड इफ द चेंज इन अर्निंग इज स्मॉल और सीन टू बी टेम्पररी इन नेचर. ये बहुत जरूरी होता है. जिसको हमने बिजनेस एनवायरमेंट में पढ़ा था, दैट एनवायरमेंट अगर चेंज है तो नेचुरल है कि कंपनी का सेल्स, मार्केटिंग सब कुछ आपका चेंज होगा. तो अगर तुरंत किसी वजह से बढ़ गया, भाई गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम खोला, हमें फायदा हो गया, बट आफ्टर 3 मंथ्स हम टाई टाई फिश पे आ गए, देन सो वी नीड टू सी दोज कैलकुलेशंस. ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रिटेन मोर मनी. मतलब जो कंपनी ग्रो कर रही है, मतलब कि अभी दे आर स्टार्टिंग एंड दे मे बी मूविंग टूवर्ड्स द लैडर, नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं, रिटेन रखते हैं पैसे को, ताकि दे आर नॉट गोइंग फॉर बोरो, क्योंकि बोरो एट अ बोरोइंग जाने के लिए देर शुड बी अ स्टेज. द डिविडेंड इन ग्रोथ कंपनी देयरफॉर इज स्मॉलर देन नॉन ग्रोथ कंपनीज. मतलब जो कंपनीज ग्रो कर रही हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश कर रही हैं, देयर माइट बी मतलब कि वेरियस एरिया जहां वो एस्टैब्लिश कर रही हैं, दे मे कीप अ लोअर डिविडेंड. देन कैश फ्लो पोजिशन, इट्स कॉमन फॉर एवरीबडी, क्योंकि आपको जो पैसा देना है दैट इज आपके हाथ में कैश होना चाहिए. प्रॉफिट यू आर शोइंग इन द बैलेंस शीट, बट द कंपनी नीड टू पे इट आउट ऑफ द कैश फ्लो.
सो इवन आपका प्रॉफिट ओवरऑल अच्छा रहा है लेकिन आपके हाथ में शार्प नहीं है, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू पे द डिविडेंड, देयरफॉर इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी द कैश फ्लो ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस. मेनी शेयर होल्डर्स नॉर्मली, मैंने अभी आपको ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो दो कंपनीज हैं, एक मतलब कि इतने शेयर दे रही है, दूसरा इतना दे रहा है, तो डेफिनेटली पीपल गो फॉर द वन विच पेज मोर डिविडेंड. एंड देर आर सम शेयर होल्डर्स हु प्रिफर फॉर अ स्टेबल डिविडेंड, अ हायर डिविडेंड, और ये एक कंपनी के ब्रांड इमेज को भी बनाता है. सो व्हाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड मैनेजमेंट मस्ट कीप द प्रेफरेंसेस ऑफ द शेयर होल्डर्स. इफ द शेयर होल्डर्स इन जनरल डिजायर एटलीस्ट अ सर्टेन अमाउंट शुड बी पेड एज डिविडेंड, द कंपनीज आर लाइकली टू डिक्लेयर द सेम. अब आप सोचो कि ऐसा कैसे होता है. अब एक कंपनी है जिसमें 1 लाख शेयर होल्डर्स है, हाउ डज अ कंपनी नो? तो फॉर दिस देर इज अ वोटिंग प्रोसीजर, देर इज अ वोटिंग प्रोसीजर. अभी पास्ट क्वार्टर में आई थिंक इन जून एंड जुलाई ऑल द कंपनीज हैड द ई वोटिंग एंड दे हैव टू डिक्लेयर द ई वोटिंग. Then they have to declare it to SEBI also, to the stock market also, and then on the प्रिस्क, मतलब वो आजकल तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड पे होता है, पहले तो पीपल यूज टू गो देयर. दिस इज गिवन, मतलब कि भाई कंपनी इज मतलब कि डिसाइडिंग, या फिर इट इज मतलब कि थिंकिंग ऑन दिस कि 1 रुपीज पर 10 पैसा देने का सोच रही है. तो उस वक्त में शेयर होल्डर्स ने क्या वोटिंग दिया है? इफ इट इज इन द फेवर देन दे गो फॉर द लेसर डिविडेंड, इफ दे गो फॉर द मतलब कि दे डोंट गो देन दे हैव टू पे हायर डिविडेंड. दिस इज हाउ शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस नो. देर आर ऑलवेज शेयर होल्डर्स हु ऑल डिपेंड अपॉन अ रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट. इसीलिए टैक्सेशन पॉलिसी, डिविडेंड जब आप ज्यादा देते हो ना तो आपको ज्यादा टैक्सेस देना है. प्रॉफिट मीन्स पेइंग टैक्सेस, वेयर एज डेट मीन्स लेसर टैक्स. द चॉइस बिटवीन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट अफेक्टेड बाय द डिफरेंस इन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स. इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, इट इज बेटर टू पे लेस बाय वेज ऑफ डिविडेंड एज कंपेयर्ड. हायर डिविडेंड्स मे बी डिक्लेयर्ड इफ टैक्स रेट्स आर रिलेटिवली लोअर, दो डिविडेंड्स आर फ्री ऑफ टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स. इसमें भी अब थोड़ा सा चेंज है, क्लास 12 देर इज बिट चेंज. अब देर इज एन अमाउंट, एन एक्स अमाउंट जिसमें आपको टैक्स नहीं लगता है, उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है. व्हेन यू आर रिसीविंग द डिविडेंड, व्हेन यू आर रिसीविंग द डिविडेंड उस वक्त में यू हैव टू मतलब आपका जो जो भी आपको डिविडेंड मिल रहा है, इफ इट इज मोर देन 50,000 देन यू हैव टू, यू ऑल्सो नीड टू पे द टैक्स. अभी थोड़ा सा चेंज हुआ. अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज डिवाइड ऑन कंपनीज, सो इसीलिए द कंपनीज डिक्लेयर नॉर्मली लोअर डिविडेंड. स्टॉक मार्केट रिएक्शन, इन्वेस्टर्स इन जनरल व्यू एन इंक्रीज इन डिमांड एज अ गुड न्यूज एंड स्टॉक प्राइजेस रिएक्ट पॉजिटिवली. भाई डिविडेंड अच्छा है तो कंपनी अच्छी है, डिविडेंड कम है तो कंपनी बेकार है. So, thus the possible impact of dividend policy on equity share is one of the important factors considered by the management while taking. क्योंकि अगर कंपनी का गुडविल ओवर अ पीरियड खराब होता है, वो भी कंपनी के लिए खराब है अगर उनको आगे ग्रोथ करना है. एंड अगर कंपनी की इमेज खराब हो गई है बिकॉज दे हैव शोड अ लेसर डिविडेंड, हो सकता है शेयर होल्डर्स जो है विड्रॉ कर ले अपने शेयर्स को, देन इट इज अ लॉस. कंपनी की शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी. कंपनी की शेयर की वैल्यू कम होगी तो कंपनी की मार्केट वैल्यू कम होगी, आपका जो शेयर होल्डर का वेल्थ है वो भी कम हो जाएगा. दिस इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट. नाउ व्हाट इज दिस एक्सेस टू कैपिटल मार्केट? का मतलब होता है आपकी कंपनी कितनी साउंड है, कितनी स्ट्रांग है, क्या आपको जरूरत पड़ने पर इक्विटी या फिर डेट इजीली मिल जाएगा. विल योर कंपनी गेट इजी एक्सेस कैपिटल मार्केट, मतलब जहां से वो पैसा उठा सकते हैं. तो
So does your company have this much of sound credentiality? पैसा चाहिए तो चाहे वो डेब्ट से मिले चाहे वो उनको इक्विटी से मिले, क्या है उनके पास? देन यू कैन गो फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. और अगर आपको लगता है नहीं भाई जरूरत पड़ने पे वी विल नॉट बी एबल टू, तो फिर आपको लेसर डिविडेंड करना चाहिए और अपने पैसों को बचाना चाहिए. लार्ज एंड रिप्यूटेड कंपनीज जनरली हैव इजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट एंड देयरफॉर मे डिपेंड लेस ऑन रिटेन अर्निंग. These companies tend to pay higher dividend than the smaller companies which relatively have low access to capital market. Legal constraint. As per Company Act, dividend ke upar kuch legal bhi ho sakta hai. That depends on the company. If the company has been defaulter, if the company has been under scrutiny, अगर उसके ऊपर कोई केस वेस चल रहा है देन वो लोग उसको जो है स्टॉप करते हैं या कम देने के लिए बोलते हैं. देन कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब इफ द कंपनी हैज टेकन लोन, देन जहां से लोन लिया है द लेंडर मे इम्पोज सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स इन फ्यूचर. वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि डिविडेंड तो दे दिया लेकिन लेंडर को जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल था वो दे नहीं पाए, और इसीलिए लोन एग्रीमेंट में शायद वो इस चीज को लिखवा लेते हैं. सो दीज ऑल कम अंडर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सिर्फ ये है कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, सॉरी मैनेजमेंट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब हम मैनेज कहते हैं तो तीन हमारे मेजर डिसीजन आते हैं. एक आता है कहाँ हम पैसा लगाएं, उस पैसे को लगाने के लिए हमें कहाँ से फाइनेंस लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ से लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ से लेना चाहिए. देन इफ द कंपनी इज अर्निंग द प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का कितना परसेंट शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड देना चाहिए. और इन तीनों डिसीजन के लिए देर आर सर्टेन फैक्टर्स that influences and that a company has to go through. यहां तक हमारा जो था वो था financial management which was one segment of this chapter. The second segment comes is financial planning. Financial planning में जो आपके paper के अंदर आता है वो एक तो आएगा ये वाला, यानी कि the twin objective. Availability and the firm does not raise money unnecessarily. Then, financial planning के लिए आपके paper के अंदर question आ सकता है. It is also the blueprint. मतलब जो words हम use करते हैं वो. Then, plan मतलब management तो था जो है उसको manage करें. Plan मतलब future के लिए. कहाँ से कैसे लाना है. वो जो तीन decisions हैं वो इनमें involve हो जाते हैं. वो जो तीन डिसीजंस हैं वो इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. एंड उसके लिए हमें पहले डिसाइड करना पड़ता है कि कैपिटल, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारा कैसे होना चाहिए. हाउ मच वी नीड टू कीप द कैपिटल, मतलब डेट, एंड हाउ मच वी नीड टू रेज द इक्विटी, कैसा होना चाहिए. एंड उसके लिए वी गो विद दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स विच आई वुड से वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. और आप लोग जो हो you can definitely expect this question this year because there is always a gap when this question comes. Aur is question ko alag alag tarike se pucha jata hai. One thing I would again and again matlab ki clarify, ek aata hai, there are two projects, in one the ROI is 10%, on another it is 12%, to company ko kis mein jana chahiye. Wo ek simple question hai jisme aapko sirf ye batana ki kisse zyada paisa milega. और दूसरा आता है जिसके अंदर आपको पूरा मतलब कि यू विल बी गिवन दिस, मतलब आपको ये पूरा दिया होगा एंड यू मे बी आस्क्ड टू, ये सिचुएशन है मतलब कंपनी के पास 30 लाख रुपए हैं, उन्होंने जो कर्जा लिया है दैट इज ऑन 10%, द टैक्स दैट दे हैव टू पे इज 14%, और जो उनका एबिटा है, एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो 4 लाख है.
तो इसमें अगर कंपनी लोन लेती है, मैंने पहले वाले सिचुएशन में लोन नहीं लिया, दूसरे में लोन लिया, तीसरे में भी लोन लिया, तो किस वाले में कंपनी के शेयर होल्डर्स को फायदा है? तो ये हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड करते हैं। अगर आपको ऊपर याद हो तो मैंने आपको बार बार यहाँ पर बताया था, डेट एंड इक्विटी का जो हमारा एक प्रोपोर्शन है दैट वी हैव टू फिक्स, हमें यहाँ पर डेप्ट इनटू इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है वो हमें देखना पड़ता है। तो डेप्ट इनटू प्रोपोर्शन कैसा होगा वो हम प्लान करते हैं, अंडर द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे रखेगी, वेदर इट वुड गो फॉर डेप्ट और इट वुड गो फॉर इक्विटी, और अगर इक्विटी में जा रही है तो कितनी इक्विटी होनी चाहिए, कितना डेप्ट होना चाहिए। एंड दिस इज ओनली वन क्वेश्चन विच इज अ न्यूमेरिकल पार्ट, विच मतलब कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर मतलब कि बोर्ड्स, विच स्टूडेंट्स डू मेनी टाइम्स बिकॉज देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, एंड इफ यू सी द डिफरेंट रिफ्रेशर्स यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। दिस विल बी द ओनली क्वेश्चन वेर यू नीड टू अप्लाई योर माइंड, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस कम्स इन दी नॉन ऑप्शन क्वेश्चन। ईजी है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नॉट अ फाइनेंशियल कैलकुलेशन। देन द कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए एक हमने पढ़ा, लेकिन बाकी फैक्टर्स क्या रहेंगे वो ये, एंड देन हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है, उनके लिए हम लोग क्या क्या मतलब की फैक्टर्स को देखते हैं वो। तो दैट इज द सेकेंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट।